आपने इंडिया के बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स को देखा होगा, लेकिन आप इन फेमस यूट्यूबर्स के इन कॉपीज को नहीं जानते थे जो शायद ही कभी आपने देखा है। और हम इंडिया में टॉयलेट के लिए पानी यूज करते हैं, लेकिन वही फॉरेन कंट्रीज में टॉयलेट पेपर क्यों यूज किया जाता है? इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप वाईटी वीडियोस देखते हो तो ऐड आते हैं और इरिटेशन होती है, लेकिन आप इन एड्स को बस चिल्ला कर हटा सकते हो। यकीन नहीं होता ना? यकीन करोगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। आप टीवी शोज देख रहे हो चलेगा, लेकिन टीवी में आप इसे देखकर अर्थ को पल्यूट कर रहे हो। आप बोलोगे लेकिन कैसे? बताता हूँ, बहुत मस्त रीजन है। थोड़े दिन से हमारे आसपास के फूल ऐसी एक क्या चीज कर रहे हैं जिसे जानकर आप शॉक होने वाले हो। और आपका घर ऐसा हमेशा बिखरा पड़ा रहता है, तो एक ऐसा गेम है जिसे खेलते खेलते आपका पूरा घर साफ हो जाएगा। जी हाँ, सच में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजेदार होने वाला है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फैक्ट नंबर 45, ये देखिए, ये है एआई का कमाल जिसने लिटरली आपके बोरिंग से साफ सफाई के वर्क को गेमिंग में बदल दिया। और ये एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग भी है। इससे आप अपने बोरिंग से काम को बड़ी आसानी से गेम खेलते खेलते पूरा कर सकते हो। वाह एआई, कमेंट में जरूर बताना ये एआई टेक्नोलॉजी कैसी लगी आपको। फैक्ट नंबर 44, यहाँ जो आपको बचपन में साइकिल चलाते समय चेन ही निकल जाती थी, फिर उसको रास्ते के बीच हम लगाते बैठते थे जो कि काफी ऑकवर्ड लगता था। पर अब तो ऐसी साइकिल आ रही है जिसमें चेन ही नहीं होता। इस साइकिल में चेन की जगह ड्राइव शाफ्ट का यूज होता है, जिसकी वजह से ये साइकिल चल पाती है। फैक्ट नंबर 43, ये वीडियो ताइवान के कैपिटल ताइपाई सिटी की है, जहाँ लिटरली रोड डायरेक्शन के लिए ऐसे स्क्रीन लगाए गए हैं जिनसे आप रोड डायरेक्शन पूछ सको। अब एक्चुअल में आप इनसे पूछ तो नहीं सकते, लेकिन जहाँ आपको जाना है वो जगह का नाम आप इसमें डालो और ये उस डायरेक्शन की ओर पॉइंट कर देंगे। ये सच में यार काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे और फ्यूचरिस्टिक भी। फैक्ट नंबर 42, इंडिया में किसी को लिफ्ट देना इलीगल है। सुनकर अजीब लग रहा होगा, है ना, बट एक्चुअली में काफी हद तक सही है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज, आप किसी स्ट्रेंजर को लिफ्ट नहीं दे सकते। जो कमर्शियल व्हीकल यूज होती है जैसे उबर, ओला एक्सेट्रा, सिर्फ उन्हें ही ये परमिशन होती है स्ट्रेंजर्स को बिठाने की और फिर उनसे पैसे की डिमांड करने की। अगर आप किसी को लिफ्ट दे रहे हो और फिर उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हो तो ये इलीगल है। आप पैसे की डिमांड करने के चक्कर में जेल की हवा खा सकते हो, बट टेंशन मत लो, अगर आप लिफ्ट बिना किसी प्रॉफिट के दे रहे हो तो आप सेफ हो। फैक्ट नंबर 41, आजकल फूलों के साथ एक काफी अजीब चीज हो रही है। फ्लावर्स अपने ब्राइट कलर्स को डाउन कर ले रहे हैं। सुनकर काफी हैरानी होगी कि फ्लावर अपने कलर को डाउन कैसे कर सकते हैं। पर फ्लावर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के साथ, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये ब्राइट कलर्स के होंगे तो ये जल्दी सूख जाएंगे। इसीलिए ये अपने कलर को डाउन या हल्का ब्लैकिश कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर मोस्ट हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है। फैक्ट नंबर 40, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से आजकल के म्यूजिक के लिरिक्स पहले के समय से काफी इजी हो गए हैं, जिन्हें आप आम लोग भी आसानी से समझ और गुनगुना लेते हैं, लेकिन इनके पीछे के इमोशंस बहुत नेगेटिव और पर्सनल बनकर रह गए हैं। आजकल जिन्हें अपनी भड़ास या अपनी दुश्मनी निकालने वो अपना सारा गुस्सा म्यूजिक के लिरिक्स में घुसा देते हैं, जिससे लिटरली सोसाइटी में एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फैक्ट नंबर 39, ये देखिए इसके घर को देखने में कैसा लग रहा है। देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है किसी नॉर्मल बंदे का, लेकिन इस घर के अंदर का सच आपको हैरान कर देगा। ये है 420 इंच का स्मार्ट टीवी, आईपैड, एप्पल का कंप्यूटर, मैकबुक, कस्टमाइज सीपीयू। शायद इनकम टैक्स से बचने के लिए यहाँ छुपा होगा। डोंट जज बाय इट्स कवर, इस बंदे ने तो लिटरली इस लाइन को सच कर दिया। फैक्ट नंबर 38, ये वीडियो देखिए, मुझे लाइफ का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। ये है स्टेफनसन 218, अब तक का सबसे बड़ा और विशाल स्टार, जो अर्थ से लगभग 19,500 लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर है। अगर आप इसे लिटरली अर्थ से कंपेयर करोगे तो आपको इसके मुकाबले अर्थ दिखेगा भी नहीं। सच में यूनिवर्स के सामने हम एक चींटी सी भी छोटी चीज है। फैक्ट नंबर 37, आपने लड़कों को तो बहुत तंबाकू कंज्यूम करते हुए देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि बिहार में एक्चुअली लड़कों से ज्यादा तंबाकू लड़कियां कंज्यूम करती हैं। मतलब बिहार की कुछ लड़कियां भी ये सब चीजों में पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग एक सिगरेट आपकी लाइफ के लिटरली 14 मिनट खा जाता है। फिर सोचो अगर आप रोज एक सिगरेट पी रहे हो तो आपके कितने दिन जिंदगी के कम हो गए होंगे। फैक्ट नंबर 36, ये पोस्ट 2020 में फेसबुक से वायरल हुआ था। इसमें ऐसा बताया जा रहा था कि कनाडा की सरकार दूसरी गाड़ियों को स्लो करने के लिए एक स्पेशल स्टिकर को यूज करती है जिस पर पॉट होल्स बने हुए रहते हैं। और इसी पोस्ट के साथ इंडिया के साथ कंपैरिजन किया गया कि एक्चुअल में इंडिया तो कनाडा से काफी आगे है कि इंडिया में तो खुद 3D पॉट होल्स हैं जिसमें आए दिन लोग अपनी टांग तुड़वा लेते हैं। हाउएवर ये पोस्ट पूरी तरह से फेक था। ये पोस्ट एक इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने बनाया था। फैक्ट नंबर 35, आपने नॉर्मली साइकिल स्टैंड या बाइक स्टैंड इंडिया में ऐसे देखा होगा, पर भाई इस साइकिल स्टैंड में तो आपको सीधा एक पंप ही मिल जाता है। तो अगर आपके टायर में हवा कम है तो यही से डलवा लो। मानना पड़ेगा आइडिया तो काफी क्रिएटिव है। ये इंडिया में जरूर होना चाहिए, पर वो बात अलग है कि वो 5 से 6 दिन से ज्यादा यहाँ टिक नहीं पाएगा, और रीजन आपको पता है। फैक्ट नंबर 34, हम अक्सर किसी की खूबसूरती के लिए कॉम्प्लीमेंट देना है तो हम उसे चांद से कंपेयर करते हैं। चांद से एक हमारा अलग ही रिश्ता है। पता है चांद ह्यूमन हिस्ट्री
हिस्ट्री का मोस्ट फोटोग्राफ्ड ऑब्जेक्ट है। फैक्ट नंबर 33, इंडिया में ट्रक्स के पीछे आपने ऐसा देखा होगा जिसके पीछे बस वही बोरिंग हॉर्न और कीप क्लीस लगा देखा होगा, पर इस ट्रक को देखो, ये जापान की एक ट्रक है। वहाँ भाई, ये तो एक मिरर से भी ज्यादा चमकीली है। अगर ऐसा है तो आपके बाल बनाने के लिए घर के शीशे में नहीं देखना पड़ेगा, सीधा रास्ते में ही बाल बन जाएंगे। फैक्ट नंबर 32, वर्ल्ड वॉर 2 हमारे हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वॉर्स में से एक थे। इन सब लोगों के जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा था, इनके सूटकेस आज भी संभाल कर रखे गए। पोलैंड डांस में एक वर्ल्ड वॉर 2 की म्यूजियम है जिसमें लिटरली इनके सूटकेसेस संभाल कर रखे गए हैं। जो सूटकेसेस शायद कभी इनके घर नहीं गए। यहाँ हर सूटकेस किसी की फैमिली और घर को याद दिलाता है। फैक्ट नंबर 31, अगर किसी को कॉल ना लगे तो हम सिंपली उन्हें वॉइस मेल भेज देते हैं। ऐसे में हम गुस्से में कुछ भी रिकॉर्ड करके सामने वाले को भेज सकते हैं। अब बहुत बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती होगी जिसमें आपका फोन सामने वाला नहीं उठा रहा, तो आप गुस्से में आकर उन्हें वॉइस मेल में कुछ भी बोल देते हो और ये आंट सांट काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। आपका उस बंदे से रिश्ता भी खराब हो सकता है। ऐसे में आप अगर अपना रिश्ता बचाना चाहते हो तो सिंपली डायलर पैड पर हैश डायल करके पहले वाले रिकॉर्डिंग को इरेज करके आप दूसरे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। क्यों है ना कमाल की ट्रिक। फैक्ट नंबर 30, एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग ज्यादा गाड़ियां नए साल के दिन सबसे ज्यादा चोरी होती है। मतलब जहां हम लोग पहला साल का दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं दोस्त यार के साथ, तो चोर भाई साहब गाड़ियां चुरा रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 29, क्या आपने कभी चॉकलेट को तीखी चटनी में डालकर खाया है? आप बोलेंगे ऐसा कौन करता है, बट भाई ऐसा हो चुका है। दरअसल जब पहली बार ओरिजिनल और ऑथेंटिक चॉकलेट बने थे तो उनकी रेसिपी में चीनी के बदले चिल्ली पाउडर का यूज होता था। ये जानकर तो मैं भी शॉक हो गया था। फैक्ट नंबर 28, हमारे देश का नेशनल बर्ड क्या है? तो आप बोलोगे पिकॉक, ऑब्वियसली, जो कि सही भी है। लेकिन पिकॉक से पहले भी हमारे देश का एक नेशनल बर्ड हुआ करता था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मैंने जब इसका नाम बोला तो आपको कुछ अजीब सा लगा होगा। नहीं लगा तो अब इसके नाम का लास्ट वाला वर्ड देखो, बस्टर्ड, जो कि गाली जैसा साउंड कर रहा है। हालांकि बस्टर्ड और उसमें बहुत फर्क होता है, लेकिन फिर भी इसकी मिस स्पेलिंग के चलते ही क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लगता है किसी को बताने में, यही रीजन था कि इससे ये टाइटल छीन लिया गया। वैसे देखने में ये ऑस्ट्रिच की मौसी लगती है, पर थोड़ी सी ये अलग है। फैक्ट नंबर 27, जब आप किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो और यही स्पेशलिटी आपकी डेथ का रीजन बन जाए तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? गुजरात के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गांधी, जिन्होंने 16,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरीज की थी, वो 41 की एज में पिछले साल जून 23 में हार्ट अटैक से मर गए। मतलब इससे शॉकिंग और क्या हो सकता है, आपकी स्पेशलिटी ही आपकी डेथ का रीजन बन जाए। एक्चुअली में ये फिट रहने के लिए योगा, एक्सरसाइजेस, जिम और इवन क्रिकेट भी खेला करते थे, बट फिर भी, और शायद इसलिए किसी ने सच कहा कि अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। फैक्ट नंबर 26, याद है जब आप छोटे थे तो आपको चोट लग जाती थी या फिर आप उदास रहते थे तो आप दौड़ते दौड़ते अपने मम्मी के गोद में चले जाते थे, क्योंकि उस समय वो सबसे सेफ जगह थी आपके लिए। और रिसेंट स्टडीज में तो ये भी प्रूफ दिया है कि टॉकिंग टू मदर कैन एक्चुअली रिड्यूस आवर स्ट्रेस लेवल। देखो साइंस ने भी मान लिया माँ के चमत्कार को। फैक्ट नंबर 25, एप्पल की एक गजब चीज खुद एप्पल को ही नहीं पता थी। रिसेंटली इनका एक बहुत ही हाईटेक प्रोसेसर आया था जो कि 12 टाइम्स एक्चुअल में फास्टर था कंपेयर टू जो कि एप्पल क्लेम करता था। वो उतना क्लेम नहीं करते थे, लेकिन जब इसका टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि इनका प्रोसेसर 12 टाइम्स फास्टर है, मतलब उम्मीद से ज्यादा। फैक्ट नंबर 24, कैसा लगे अगर आपको कोई धमकी दे कि मैं आपके घर के आसपास 20,000 हाथी छोड़ दूंगा? सुनने में ये फनी लग रहा होगा, बट ऐसा लिटरली हाल ही में हुआ भी है। बोट्सवाना के प्रेसिडेंट मसासी ने एक्चुअल में जर्मनी को ये धमकी दी है कि वो 20,000 हाथी जर्मनी में छोड़ देंगे। बोट्सवाना में वर्ल्ड के एलिफेंट की 1/3 पॉपुलेशन रहती है जो कि लगभग 1,30,000 है, और इतने सारे हाथी संभालना एक चैलेंज है। इसलिए उनकी सरकार ने एक हंटिंग फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें रिच यूरोपियंस को इन्होंने इन्वाइट किया था इस हंटिंग फेस्ट के लिए, जिसके बदले यूरोपियंस करोड़ों रुपए इन्हें देते हैं। और बोट्सवाना को बस इसी से मतलब है, और इसके बदले में बहुत सारे एलिफेंट्स मारे जाएंगे, और ये सब जर्मनी सरकार को नेचर के विरुद्ध लग रहा था। फैक्ट नंबर 23, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको पता होगा कि वीडियो की एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है, और इसमें लिटरली पैसा बहुत लगता है। इतने पैसे देने के बाद आपको पता लगे कि एडवर्टाइजमेंट फेक व्यूज और क्लिक से जनरेट होते हैं तो आपको कैसा लगेगा, ये एक्चुअली में हुआ? ऑब्वियसली ये बहुत गलत है। ये जो आप स्क्रीन पर आप वीडियो या इमेज देख रहे हो, ये एशिया की ही किसी फेक एडवर्टाइजमेंट कराने वाले का ग्रुप है जो बैठे बैठे हमें चूना लगा रहे हैं। फैक्ट नंबर 22, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट तो बहुत बढ़िया थे, बट इनकी पर्सनालिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी, जिस रीजन से इनका डाइवोर्स भी हुआ था। और उस समय इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी को कुछ दे पाए, इसलिए उन्होंने एक प्रॉमिस दिया था कि इन्हें जो भी नोबेल प्राइज मनी मिलेगा वो अपनी एक्स वाइफ को एज ए टिप दे देंगे। उनका मानना था कि उन्हें दूसरा नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें शांति मतलब पीस चाहिए, इसलिए उन्होंने दूसरी पत्नी से शादी किया। हुआ भाई। फैक्ट नंबर 21, एक सच्चा दोस्त मिलना आज के जनरेशन में बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा दोस्त तो हर कोई चाहता है। अब आप अपने दिमाग पर जोर दो और एक बार दोबारा सोचो कि आपका कोई ऐसा
ऐसा दोस्त है जो बार बार आपको नीचा दिखाता, आपके कैरेक्टर को बदनाम करता था, आपसे चलता रहता था, सोचता था कि आप कंगाल हो जाओ। तो ध्यान से, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे दोस्त आपके लिए जहरीले शाम से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और ऐसे दोस्त से दोस्ती ना ही की जाए तो अच्छा होगा। फैक्ट नंबर 20, आप थोड़ा अपने फोन का वाईफाई खोलना, खोल लिया। क्या आपको पता है इस वाईफाई के एक्चुअल में इन्वेंशन गलती से हुआ था, लिटरली, मतलब ऐसी चीज भी गलती से बन जा रही है। तो सोचो एक्चुअल इन्वेंशन किस चीज का हो रहा होगा। दरअसल ये इन्वेंशन मिनी ब्लैक होल के रेडियो वेव्स पर हो रहा था। स्टीफन हॉकिंग की एक थियरी है, इवेपोरेटिंग ब्लैक होल्स एंड देयर रेडियो वेव्स। बस इस लाइन को प्रूफ करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, बट उनका एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जरूर आ गई। फैक्ट नंबर 19, स्क्रीन पर आप जो फोटोग्राफ देख रहे हो वो एक्चुअल में क्वांटम माइक्रोस्कोप के अंदर की तस्वीर है। इसके अंदर हर चीज, फिर चाहे वो ना दिखने वाली सेल हो या दिखने वाला मुर्गे का अंडा, सब चीज की रूह तक दिख जाती है। लिटरली इसमें एटम तक दिख जाते हैं। एक्चुअली ये क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड माइक्रोस्कोप है, जिसमें मैटर या वेरियस एनर्जी को एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर मेजर करते हैं। फैक्ट नंबर 18, माउंट चिम्बोराजो धरती का एक लौता ऐसा यूनिक माउंटेन है, जहां से इसकी पीक से सन के डिस्टेंस सबसे क्लोज है। ये अर्थ पर एक्चुअली में सन के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है। माउंटेन होने के साथ साथ ये एक इनएक्टिव वोल्केनो भी है, पर चिंता करने की बात नहीं है, ये लास्ट टाइम 550 एडी में फटा था, मतलब जब हमारे परदादा के भी परदादा कहीं पैंट में पॉटी करते थे। फैक्ट नंबर 17, आपने नॉर्मल कैमल्स ऐसे देखे होंगे, लेकिन इनके बच्चों को आपने नहीं देखा होगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक्चुअली में न्यू बॉर्न कैमल के बच्चे हैं, जो एक्चुअली में काफी यूनिक दिखते हैं, मानो रोई के गुब्बारे हैं। फैक्ट नंबर 17, भाई अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है ना, तो इसके बाद आपको इंजेक्शन अच्छे लगने लगेंगे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग खांसने से जो इंजेक्शन का पेन होता है ये रिड्यूस हो जाता है। ये एक्चुअली टेस्टेड सॉल्यूशन है, इसे एक्चुअली कॉफ ट्रिक कहते हैं। अगर आप इंजेक्शन लेने से पहले खांसते हो और इंजेक्शन लेने की ड्यूरिंग खांसते हो, तो ये एक्चुअली में आपके दर्द के फीलिंग को कम करता है। और हाँ भाई, अगर आप ये सच में करने जा रहे हो तो डिसेंट तरीके से करना, एकदम चिल्ला ही मत देना, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मैंने क्या सिखाया। फैक्ट नंबर 16, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप किसी को अपना पेन देते हो कुछ काम करने के लिए, और वो बंदा आपका पेन रख लेता है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो ये बहुत बार आपने नोटिस किया होगा। ऐसे में एक मस्ट ट्रिक है कि जब भी आप किसी को पेन दो तो सिर्फ पेन ही देना, उसका कैप मत देना। ऐसे में 90% तक चांस है कि वो बंदा आपका पेन वापस कर देगा, ये सोच कर कि बिना ढक्कन के ये पेन का मैं क्या ही करूंगा, ट्राई करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 15, सिर्फ 30 मिनट नेटफ्लिक्स देखने से आप अपने प्लेनेट को इतना पोल्यूट कर रहे हो जितना एक 6 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी। ऐसा क्लेम बहुत से यूट्यूब चैनल और लोग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ माना कि ऐसे स्ट्रीमिंग साइट से प्लेनेट को नुकसान पहुंचता है, बट वो बहुत कम होता है, मानो हाथी के ऊपर चींटी जितना। बट आप पहली बात तो यही सोच रहे होंगे कि नेटफ्लिक्स से नुकसान होता भी कैसा है। तो एक्चुअली में नेटफ्लिक्स के प्रोसेसर 24/7 चलते रहते हैं, ताकि वो वेब सीरीज, मूवीज या फिर कुछ भी स्टोरेज को स्टोर कर सके, जो कि बहुत ही महंगा होता है, और इससे ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज होती है, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक काफी बड़ा रीजन है। फैक्ट नंबर 14, मूवीज में तो आपने बहुत से ऐसे सीन्स देखे होंगे जिनमें आदमी को लावा में जिंदा फेंक दिया जाता है, और लिटरली वो आदमी तड़पते तड़पते उस लावा में डूब कर मर जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ा मिथ है। रियल में लावा 3 गुना ज्यादा डेंस होता है ह्यूमन बॉडी के कंपैरिजन में, और इसमें ह्यूमन बॉडी डूब ही नहीं सकती है। यानी इसमें भले ही आपका ग्रिल्ड सैंडविच हो जाए, लेकिन आप बस इसमें फंस के रह जाओगे, डूबोगे नहीं। फैक्ट नंबर 13, सोनी ब्रांड तो आपने सुना ही होगा, आप लोगों में से बहुतों के पास इसकी टीवी भी होगी। लेकिन पता है, इस सोनी ब्रांड के पास एक ऐसा पेटेंट है जो कि काफी क्रेजी है। वो ये है कि अगर आप कोई टीवी शो देख रहे हो और बीच में एड आ जाए, तो आप सिंपली स्क्रीन पर चिल्लाकर वो एड हटा सकते हो। बट ये टेक्नोलॉजी अभी ट्रायल में है, उम्मीद है जल्दी ये टेक्नोलॉजी देखने को भी मिलेगी। फैक्ट नंबर 12, वायरस का नाम सुनकर ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जरूर कोविड याद आ रहा होगा। बट कभी वायरस को वायरस से इन्फेक्टेड होते हुए सुना है, ये रियली में इंटरेस्टिंग है। ऐसे में बहुत सारे केसेस हैं जिनमें खुद वायरस को वायरस इन्फेक्ट कर देता है। वाह। फैक्ट नंबर 11, आपने तो ऐसे बहुत से अतंगी डे सुने होंगे, जैसे कि हग डे, चॉकलेट डे, किक डे, स्लैप डे, लेकिन एक्चुअली में एक ऐसा दिन भी है जिसमें आपको कुछ अच्छा करना होता है। 5th of October को एज ए डू समथिंग नाइस डे कहा जाता है। इसे ईयर 1998 में स्टार्ट किया गया था, ताकि सभी लोग एक दूसरे से प्यार करें। वाकई में इसके पीछे का मतलब काबिले तारीफ है। फैक्ट नंबर 10, आजकल लॉयल दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, फिर लॉयल मछली कैसे रहेगी? मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। माही माही फिश, ये इतनी लॉयल फिश है जो पेयर्स में रहती है, यानी कि जोड़े में, और अगर इनका जोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, या कोई मछुआरा इन्हें पकड़ लेता है, तो ये लिटरली अपने दूसरे दोस्त का सेम लोकेशन पर वेट करते रहती है। अब इन्हें कौन बताए कि इंसान ने इनके दोस्त को तेल में तल के खा लिया है। फैक्ट नंबर 9, आपने चाइल्डहुड में मिनी माउस तो जरूर देखा,
होगा हमारे चाइल्डहुड के सबसे अमेजिंग कार्टून्स में से एक है। अब इमेजिन करो इन कैरेक्टर्स को आप अपनी शादी का इनविटेशन भेजो और उधर से रिप्लाई भी आए। ये सुनकर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना, और सच में ये पॉसिबल भी है। आपको सिंपल बस डिज्नी को एक मेल करना है जिसमें आपको मिकी और मिनी माउस का मेलिंग एड्रेस पूछना है, जिसके बाद अगर आप उस एड्रेस पे इनविटेशन भेजोगे तो आपको रिप्लाई आ सकता है जस्ट मैरिड। फैक्ट नंबर 8, अब्राहम लिंकन शायद यूएस हिस्ट्री के अब तक के सबसे फेमस पॉलिटिशियंस में से एक है। इनका पॉलिटिक्स के साथ रेसलिंग में भी बहुत अच्छा खासा रिश्ता था। ये इतने अच्छे रेसलर थे कि महज 21 साल में इन्होंने कंट्री रेसलिंग चैंपियन का रिकॉर्ड हासिल किया था। ऑल टू ऑल लिंकन ने अपने पूरे रेसलिंग करियर में बस एक बार हार का सामना किया था। इतने अच्छे प्रेसिडेंट के साथ साथ ये इतने अच्छे रेसलर भी थे। पर अगर ये चीज आज भी होती तो कितना अजीब लगता ना, जैसे आप ये सोचो मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच में रेसलिंग मैच हो रही हो। फैक्ट नंबर 7, आपने पायरेट्स को जरूर देखा होगा। हाँ, वही जो एक आंख पर पट्टी लगाते हैं, बट एक्चुअली में वो पट्टी लगाने का एक साइंटिफिक रीजन है। इमेजिन करो आप तेज धूप में से डायरेक्ट एक ऐसे रूम में जाओ जहाँ बिल्कुल रोशनी ना हो, बिल्कुल डार्क हो, तो बताओ क्या आपको डायरेक्ट सनलाइट से अंधेरे में जाकर दिखने लगेगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपके आंख को लाइट एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ये काम प्यूपिल करती है, लेकिन छोड़ो ये सब। इसलिए अगर आपने एक आंख पर पट्टी लगाई हुई है और तब आप उस अंधेरे कमरे में जाओगे तो आप तुरंत उस अंधेरे में देख सकोगे। इसलिए पायरेट्स एक आंख पर पट्टी लगाते हैं ताकि अगर उन्हें डायरेक्ट सनलाइट से डार्क रूम में जाना पड़े तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। फैक्ट नंबर 6, 2010 में कनाडा के कैलगरी सिटी में एक डंप यार्ड से एक न्यू बॉर्न बेबी को जब एक इंसान ने बचाया तो उसे कनाडा की सरकार और मीडिया की तरफ से काफी फेम मिला। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि ये इंसान तो इस बच्चे का बाप था। मतलब ऐसा हत्यारा बाप किसका होता है जो अपने ही बच्चों को कूड़ेदान में फेंकते। फैक्ट नंबर 5, अगर आप फॉरेन कंट्री में गए तो जरूर आपका पासपोर्ट जरूर होगा। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पासपोर्ट होते हैं, कुछ के नॉर्मल तो कुछ के अब नॉर्मल। इन सब में से एक कैनेडियन पासपोर्ट एक अलग आइडेंटिटी लेकर चलता है, क्योंकि इनके पासपोर्ट बहुत यूनिक है। इनके पासपोर्ट को अगर आप यूए लाइट के नीचे रखोगे तो ये मस्त अलग से लाइट के साथ ग्लो होगा, गुलाबी पीली और नीली पीली, जो कि देखने में काफी अमेजिंग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगता है। फैक्ट नंबर 4, माइक्रोस्कोप के अंदर तो छोटी सी एक चीज भी डायनासोर जितनी बड़ी लगती है, फिर चाहे वो दही के कीड़े हो या फिर कीड़ों के बच्चे। चींटी कितनी छोटी होता ना, चले आज इस चींटी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। बता दूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम से किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। स्क्रीन पर जो आप चीज देख रहे हो वो कोई मॉन्स्टर या एलियन नहीं है, बल्कि एक छोटी सी चींटी है। कितनी डरावनी लग रही है ना, लग रहा है कि मानो ये हमें जिंदा नोच देंगे। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हम चींटी जितने होते और चींटी हमारी जितनी तो क्या होता। प्रोबेबली वही होता जो अभी हम चींटियों के साथ करते हैं, यानी हमारा मोए मोए। फैक्ट नंबर 3, इंडिया में बिजली कम गिरती है। अब सोचो, अब ऐसा देश है जहाँ साल में 300 दिन रेगुलरली बिजली गिरती हो, वहाँ तो अच्छे अच्छे आदमियों की दम बिरयानी बन जाती होगी। वैसे ये एरिया वेनेजुएला में है, हालांकि ये एक रिमोट प्लेस है, यानी कि गांव शहर से कोसों दूर। इस एरिया में लिटरली सेम प्लेस और सेम टाइम पर ऑलमोस्ट रोज बिजली गिरती है। वहाँ के लोकल लोग इसे बीकन ऑफ मराकाइबो कहते हैं। साइंटिस्ट के इतने सारे रिसर्च के बाद भी ये आज तक नहीं पता चला कि इसके पीछे का क्या सीक्रेट है। भाई वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे पॉपुलर कार कौन सी है तो आप बोलोगे लैम्बोर्गिनी, बुगाटी। लेकिन ये सब तो हो गई एक्सपेंसिव कार्स, मतलब इनका बस प्राइस ज्यादा है और ये पॉपुलर भी है, इसलिए आप इन्हें पॉपुलर कह रहे हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो कौन सी पॉपुलर कार है जो कि उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव ना होते हुए भी पॉपुलर है। आप सोच रहे होंगे यही स्विफ्ट होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो है टोयोटा हिलक्स। हाँ, ये कुछ पिकअप ट्रक जैसा दिखती है और ये है भी, और ये दुनिया की सबसे पॉपुलर कार में से एक है, ना कि लैम्बोर्गिनी बुगाटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप हर 10 साल चेंज होते रहते हो, आप बोलोगे ये क्या हो रहा है। नहीं, आप लुक्स के मामले में चेंज नहीं होते, बल्कि आपकी पर्सनालिटी हर 10 साल चेंज होती है। आप सोचो आपके पिछले 10 साल कैसे गए होंगे, क्या वो अब वाले 10 साल से बेटर गए हैं या बुरे गए हैं, तो उस हिसाब से आप हर 10 साल चेंज होते रहते हो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। आपने KTM बाइक तो देखी होगी और लोग इसे काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये छपरी लोग यूज करते हैं, और इसका फुल फॉर्म भी बहुत लोग बोलते हैं कि KTM का फुल फॉर्म है कल तेरी मौत। लेकिन इसका फुल फॉर्म ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका फुल फॉर्म अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये फुल फॉर्म है या पूरा सिलेबस। इसका फुल फॉर्म है क्राफ्टवर्क ज्यूग ट्रुकेंसन पॉल्स मैटिंग हॉफन। जी हाँ, ये एक्चुअली जर्मन में है, और इसका मतलब क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बट इसका फुल फॉर्म इतना लंबा है। फैक्ट नंबर 2, सुनने में थोड़ा अजीब या शायद मजेदार लग सकता है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियंस टॉयलेट पेपर की जगह पानी यूज क्यों करते हैं? हाँ, माना कि इंडियंस तेल मसाले ज्यादा खाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि साफ करते वक्त टॉयलेट पेपर ही चल जाए। एक वजह हो सकती है हम फॉरेनर्स की तरह विश्वास नहीं रखते कि ऐसे पेपर से साफ करना ज्यादा अच्छा है, यहाँ हमारा मन नहीं करता पेपर से। मतलब लिटरली कितना अजीब लगेगा। वैसे बता दूं कि ये काफी ज्यादा महंगा हो सकता है। हाँ, कुछ
रिच लोगों के लिए नहीं बट एक मिडिल क्लास या लो क्लास के लिए ये एक्चुअल में महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू वाटर। माना कि वाटर की वैल्यू करना जरूरी है, जिन कंट्रीज के पास वाटर नहीं है उन्हें इनकी वैल्यू पता है। राजस्थान एक इंडिया का ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ फिलहाल पानी की कमी है बट ये कमी इतनी नहीं है कि वाटर को रिप्लेस किया जा सके। फैक्ट नंबर वन, फुकरा इंसान को कौन नहीं जानता। जब से ये बिग बॉस से लौटे तब से तो इनकी फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो बात अलग है कि ये जीते नहीं बट दिलों में जरूर छा गए। ये अपने क्रेजी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने रियल में काफी कुछ डोनेट भी किया टू हिज ऑडियंस एंड नीडी पीपल, फिर चाहे वो मिस्ट्री बॉक्स का हो या अनबॉक्सिंग या 24 घंटे का सीएम। इन सब वीडियोस में इन्होंने एक्चुअल में डोनेट किया है बट पता है लोग इन्हें प्रेस्टन या मिस्टर बीस्ट की कॉपी कहते हैं, जो सच भी है बट इन्हें कॉपी कहना नहीं एज ए इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं। यार किसी के एक साइड को देखना और एक साइड को नहीं देखना ये तो गलत है ना। ऐसे ही अगले हमारे हैं कैरी भैया, जिन्हें लीफी या प्यूडीपाई की कॉपी कहते हैं क्योंकि ये जैसे अपने मुंह से सुनहरे शब्द का प्रयोग करते हैं वैसे ही कभी लीफी क्या करते थे। कभी भी से मेरा मतलब है अब वो बैंड हो चुके हैं। 2020 में यूट्यूब से लीफी को परमानेंटली बैन कर दिया गया था रिपीटेड वायलेशंस की वजह से, और प्यूडीपाई से तो इनका कंटेंट बिल्कुल भी नहीं मिलता क्योंकि कैरी मिनाते की मोस्ट ऑफ द वीडियोस रोस्ट वीडियोस होती हैं और प्यूडीपाई के रैंडम। नेक्स्ट इज ध्रुव राठी। आजकल सबसे ट्रेंडिंग में यूट्यूब पर यही बंदा चल रहा है क्योंकि इनकी मोस्ट ऑफ द वीडियोस कंट्रोवर्शियल होती हैं और आजकल तो इनकी वीडियोस कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग पर है बिकॉज ये पॉलिटिकल पार्टीज का सच सामने ला रहे हैं। इनकी वीडियो स्टार्टिंग से ही ऐसी थी, इन्हें कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर ही वीडियोस बनाना पसंद है। अगर इन्हें किसी फॉरेन यूट्यूबर की कॉपी कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा। इनकी कैटेगरी पॉलिटिक्स में आती है तो बाहर कंट्रीज में भी ऐसे क्रिएटर्स बहुत होंगे। बीबीके वाइंस, ढिंढोरा वेब सीरीज के बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। ये हमारे टीटू मामा अपने क्रेजी रिएक्शंस के चलते जाने जाते हैं। इनकी पहली मोस्ट ऑफ द वीडियोस कॉमेडी टाइप होती थी बट ढिंढोरा सीरीज के बाद ये मोस्टली वेब सीरीज ही शूट किया करते हैं। ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रियल या ओरिजिनल क्रिएटर है। नेक्स्ट है सौरभ जोशी। शुरू में ये काफी गरीब थे, इनको लिटरली अपने चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी सारा हार्ड वर्क करना पड़ा पर वो कहते हैं ना मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, वही कुछ इनके साथ हुआ, इनको भी आखिर में सक्सेस मिली गई। एनीवेज इनके जैसे सिमिलर क्रिएटर तो बहुत हैं, जैसे कि लिटिल ग्लव्स, ब्रेड कॉन्टी, बट इनके जैसा कंटेंट शायद ही कोई बनाता हो। एक्चुअल में व्लॉगिंग के सारे चैनल सिमिलर होते हैं इसलिए उनमें डिफरेंस कर पाना भी मुश्किल होता है। आप जरूर बताइएगा इन सब यूट्यूबर्स में आपका कौन सा सबसे फेवरेट यूट्यूबर है। भाई ये तो आपको पता चल गया पर क्या आपको ये पता था कि ये सीलिंग फैंस के ऊपर ये कैप क्यों लगा होता है। और अगर मैं कहूँ कि इस बंदे ने बस MS धोनी को देखने के लिए अपनी बेटी की पूरी स्कूल फीस ही डाल दी, इसकी पूरी स्टोरी बहुत मजेदार है। और ये कौन से ट्रिक है जिसमें आप डेटा या वाईफाई के बिना भी इंटरनेट मस्की की तरह यूज कर सकते हो, वो कौन से ट्रिक है इस वीडियो में जाके पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।